नाम याद लोग जो अपने इस तर्ज अमल से ये साबित करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो है मोहब्बतें आपस में बढ़े, ये अमल मोहब्बतों को बढ़ाने वाला बिल्कुल नहीं हो सकता। हिंदू मुस्लिम भाइयों में मोहब्बतें बढ़ाने का अमल एक दूसरे के साथ हुस्ने सुलूक है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी है, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आना है, और बगैर धर्म की आड़ बीच में लाए हुए हर एक के साथ अच्छा जो है सौहार्द और सुलूक बरतना है। अगर हम आपस में उसके साथ रहेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा, इसकी तरफ को किसी को मैली निगाह से देखने की जरूरत पैदा नहीं होगी। हत्तल इम्कान ऐसे तर्ज अमल से बचना चाहिए, दिल में कुछ हो जाहिर में कुछ हो इससे कभी भी मोहब्बत पैदा नहीं होती। ये हमारी कुरानी नजरिए के भी खिलाफ है, हमारी सिस्टम और हमारे अकीदे के भी खिलाफ। अच्छा, इस्लाम धर्म में ऐसे लोगों के लिए क्या? इस्लाम धर्म में ऐसे लोगों के लिए तो सच्ची बात यह है, नबी अली सलाम ने फरमाया कि अगर कोई किसी की परंपरा को इख्तियार करेगा तो वो उसी में से उसी कौम में से शुमार होगा। अब जरा सा मुख्तार अब्बास नकवी अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, अगर वो इस काम को करने के बाद कल को अल्लाह के यहाँ उनको उसी में खड़ा कर लिया गया तो वो अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे?